हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा झबला बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। हमने ये प्योर कॉटन के कपड़े से बनाया है और इसको बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये झबला बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस झबले को बनाना जितना आसान है, कान्हा जी को पहनाना भी उतना ही आसान है। दोनों तरफ से देखिए, किनारे से हमने थोड़ी थोड़ी सी जगह खुली भी छोड़ दी है, जिससे कान्हा जी को इसको पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नीचे की तरफ से कान्हा जी को पहनाकर ऊपर देखिए कंधे पर दोनों तरफ से हमें ये डोरी जो हमने लगाई है, या पट्टी बोल सकते हैं आप, इसको हमें बांध लेना है। बांधने के बाद देखिए झबले का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adicultural_world268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सा झबला बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले देखिए एक व्हाइट कलर के कॉटन के फैब्रिक में से दो पीसेस कट कर लिए हैं। ये कॉटन का फैब्रिक है, जो कि गर्मियों में कान्हा जी के लिए बहुत आरामदायक होता है, क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है और बहुत पतला भी होता है, तो कान्हा जी को भी गर्मी नहीं लगती है। इसीलिए मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर आपके पास कॉटन का फैब्रिक नहीं हो, तो आप रेयन, टफेटा, सिल्क या जो भी कपड़ा आपके पास है, उसे बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फैब्रिक कितना खूबसूरत है। इस पर बहुत प्यारी सी देखिए पत्तियों का शेप बना हुआ है। अब हम कान्हा जी के लिए इस कपड़े से झबला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है, वो हमने 8 इंच यानी कि 8 इंच रखी है, और इसकी जो लंबाई है, वो हमने 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच रखी है। हमने दोनों ही पीसेस का जो मेज़रमेंट है, वो बिल्कुल बराबर रखा है, यानी कि जितनी लंबाई और चौड़ाई हमने इस वाले पीस की रखी है, उतनी ही लंबाई और चौड़ाई हमने दूसरे पीस की भी रखी है। हम इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखेंगे, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमें इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ से। ऐसे ही इस वाले पीस में भी हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से ऊपर और नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई नहीं है। डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब देखिए, हमने ये व्हाइट कलर की लेस ले ली है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है, और मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है, बहुत सस्ती भी मिलती है। अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो, तो आप कोई भी दूसरी वाइट कलर की लेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी कलर के फैब्रिक से ये झबला बना रहे हैं, उससे मैचिंग की लेस यूज़ कर लें। अब देखिए, हमें इसको ये जो हमने नीचे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है, वहाँ पर लेस लगानी है। तो हम सीधा ऐसे लेस नहीं लगाएंगे, इसमें हमें पतले पतले से प्लेट्स डालने हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर। जैसे कि थोड़ा सा हमने लेस ज्वाइन किया, फिर हम एक प्लेट डाल देंगे यहाँ पे, फिर से हम थोड़ी सी लेस ज्वाइन करेंगे और फिर एक प्लेट डाल देंगे। इसी तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक प्लेट डालते हुए फिर यहाँ से यहाँ तक लेस जॉइंट कर लेनी है। ऐसे ही हम दोनों पीसेस में नीचे की तरफ से लेस जॉइंट करेंगे। नीचे की तरफ से हमने देखिए प्लेट्स डालते हुए लेस लगा ली है दोनों ही पीसेस में। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हम रखेंगे और इसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे, और ये जो सेंटर है, यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इसका सेंटर कहाँ पर है। ये देखिए, हमने ये मार्किंग कर ली है। आगे की तरफ से भी हम मार्किंग कर देते हैं। अब हमें किनारे से प्लेट्स डालने हैं, बहुत पतले प्लेट नहीं डालेंगे हम, सिर्फ दो प्लेट डालेंगे। देखिए, एक प्लेट हमने ये डाला, अब ये दूसरा प्लेट हम डालेंगे यहाँ पे, इस तरीके से। ऐसे हमने इसको सेंटर तक देखिए प्लेट डाल लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक पहले हम इसको सिलाई लगा कर जॉइंट कर लेंगे। इधर की तरफ से हमने दो प्लेट्स डाल के सिलाई लगा लिया। अब हमें इसको इस तरफ से रखना है, और फिर से देखिए हम सिर्फ दो प्लेट ही डालेंगे। एक प्लेट हमने ये डाला, फिर से हम दूसरा प्लेट डालेंगे। जब भी हम प्लेट डालेंगे, हमें कपड़े को देखिए दोनों तरफ से पकड़ना है, जिससे कि प्लेट बिल्कुल बराबर और अच्छे से पड़ती हैं। अब हम ऐसे दूसरा प्लेट डालेंगे। इस तरीके से देखिए, इधर की तरफ भी हमने दो प्लेट डाल लिए हैं। अब इसको भी हम सिलाई लगाकर लॉक कर लेंगे। दोनों ही तरफ से दो दो प्लेट्स डालते हुए हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से दूसरे वाले पीस में भी हमें ऐसे बीच में से मार्किंग कर लेनी है सेंटर पे, फिर दोनों तरफ से दो दो प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब हम प्लेट्स को सेट कर लेंगे इस तरीके से बराबर करते हुए, और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे, जिससे कि हमने ये जो प्लेट्स डाले हैं, वो अच्छे से बैठ जाएंगे।
अब हमने फिर से ये वाइट कलर की लेस ले ली है जो कि नीचे हमने लगाई थी, इसको भी देखिए हमें यहाँ से रखना है और थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक प्लेट डालते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेस लगा लेनी है। हमने देखिए लेस भी लगा लिया है। लेस लगाते समय हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम बिल्कुल ऊपर की तरफ से लेस नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए। फिर देखिए हमने प्लेट्स डालकर लेस लगाई है, दोनों ही पीसेस में हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। अब दोनों पीसेस में हमें किनारे से मेज़र करते हुए 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। मार्किंग करने के बाद अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और किनारे से देखिए इसको एक बार तिरछे में फोल्ड करना है। आप चाहें तो इसको डबल फोल्ड भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने में प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक बार ऐसे देखिए तिरछे में फोल्ड करें। यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है यहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है और इसको सिलाई लगाकर लॉक कर लेना है। इसी तरीके से हमने ये जो मार्किंग की है वहाँ तक इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर हम लॉक कर लेंगे। दोनों ही पीसेस में हमने देखिए इसको किनारे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम पट्टी तैयार करेंगे। पट्टी तैयार करने के लिए भी हमने देखिए दो पीसेस कॉटन के फैब्रिक में से कट कर लिए हैं। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 12 इंचेस यानी कि 12 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1 इंच यानी कि 1 इंच रखी है। दोनों ही पीसेस का मेजरमेंट हमने बिल्कुल बराबर रखा है। अब हमें इसको पलट कर पीछे की तरफ से रखना है। देखिए इसको एक बार हम ऊपर से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार नीचे से फोल्ड कर लेंगे, फिर बीच में से हमें इसको फोल्ड करना है और बिल्कुल बराबर करते हुए एक के ऊपर एक करके रखना है और सिलाई लगाकर हम पट्टी तैयार करेंगे। ऐसे ही हमें दोनों पट्टी तैयार करनी है। दोनों पट्टी तैयार करने के बाद अब हमें इसको बराबर करते हुए फोल्ड करना है और यहाँ सेंटर से कट करके दो पीसेस में डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से हम इस वाले पट्टी को भी बीच में से फोल्ड करके और कट करके दो पीसेस में डिवाइड कर देंगे। अब चार पट्टी बनकर तैयार है, हम ड्रेस ले लेंगे। देखिए एक पीस हमें लेना है और ये जो सेंटर है सेंटर से आधा इंच इधर की तरफ रखते हुए हमें ये पट्टी यहाँ पे सिलाई लगाकर जॉइंट करनी है। फिर बीच में हम 1 इंच की जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे दूसरी पट्टी रखकर इसको भी सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। इसी तरीके से इस वाले पीस में भी देखिए बीच में जो है ये सेंटर पर हमने पहले मार्किंग की थी तो उसे आधे इंच की जगह छोड़ते हुए यहाँ पर रखेंगे हम पट्टी और सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे। फिर बीच में से 1 इंच जगह छोड़कर दूसरी पट्टी भी जॉइंट कर लेंगे। पट्टी जॉइंट करने के बाद अब एक पीस को हमें देखिए सीधा रखना है और ये जो दूसरा पीस है इसको हमें पलटकर पीछे की तरफ से ऐसे रखना है इसके ऊपर बिल्कुल बराबर करते हुए। और यहाँ किनारे पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे। ऊपर की तरफ से जितनी दूर हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई थी उसको हमें खुलाई छोड़ देना है। फिर इधर की तरफ से भी हमें नीचे से लेकर यहाँ तक इसको सिलाई लगाकर लॉक करना है और ऊपर जो हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई थी उसको खुला छोड़ देना है। किनारे से जॉइंट करने के बाद अब हमें इसको पलटकर सीधा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा झबला बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये झबला अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।